जम्मू कश्मीर के राजौर में आतंकी हमला हुआ, बड़ी खबर, आतंकवादियों ने हिंदू परिवारों को निशाना बनाया। डांगरी इलाके में हिंदू नागरिकों पर फायरिंग हुई है, आतंकवादियों की इस फायरिंग में 4 की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए। कल नए साल के पहले दिन ही जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने हिंदू परिवार को निशाना बनाया। राजौरी के डांगरी गांव में हुए इस आतंकी हमले में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। आतंकियों ने सिर्फ हिंदू समुदाय के घरों को टारगेट कर इस हमले को अंजाम दिया। 8 बजे के अंदर हुआ ये वाला, ये जंगल से नीचे आए हैं ये लोग, और रास्ते में आने में ही इन्होंने सबसे पहले जो राजेंद्र जी, वो जिनकी डेथ हो चुकी है पीएचसी में थे, उनके परिवार के ऊपर, उनके 2 बेटों के साथी पर जो ट्रीट किया उनको, और 2 बच्चे में से मैं जो क्रिटिकल कंडीशन में है नीचे, उनसे फिर इसी नीचे मोहल्ला आता है, उस मोहल्ले में एक ही घर में 3-4 लोगों को गोली बजती है। हमले के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस घटना को कायराना करार दिया। ये बहुत बड़ा अत्याचार और महापाप पाकिस्तान के कायर और दरिंदे आतंकवादियों ने राजौरी के ढांगरी गांव में किया है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है।